दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत और लाइफ स्टाइल का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, गर्मी आ चुकी हैं और गर्मियों में जिसको फलों का राजा कहा जाता है, यानी कि आम, उसके भी दिन आ चुके हैं। आम को ज़्यादातर सभी लोग पसंद करते हैं, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, सभी को आम खाना बेहद पसंद होता है। लेकिन पसंदीदा चीज़ में कुछ सेहत के नुकसान भी छुपे हुए होते हैं, लेकिन आज हम उसके फायदों के बारे में नहीं बल्कि किन कंडीशन में आपको भूलकर भी आम नहीं खाने हैं, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, गर्मी के दिनों में बाजार में आम की बहार आ जाती है। रस से भरा ये फल गुणों के मामले में भी जबरदस्त है। इसका सेवन शरीर को कई बड़े फायदे पहुंचाता है। आम में विटामिन, फोलेट, पोटेशियम समेत ढेरों पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। आम में पाया जाने वाला विटामिन ए और सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ये आंखों के लिए भी लाभकारी होता है। हालांकि कुछ हेल्थ कंडीशन में आम का सेवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। कई लोग स्वाद के चक्कर में रसीला आम खूब खाते हैं, लेकिन ये उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ स्थितियों में आम खाने से आपको बचना चाहिए। स्किन से जुड़ी समस्याओं में आम का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। खासतौर पर डर्मेटाइटिस की परेशानी हो तो आम नहीं खाना चाहिए। आम में पाया जाने वाला यूरोशियल कंपाउंड डर्मेटाइटिस की समस्या को ट्रिगर करने का काम करता है। इससे स्किन में सूजन आने के साथ फफोड़े पड़ सकते हैं। जो लोग बढ़ते वजन से परेशान हैं, उन्हें भी आम का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। आम में प्रचुर मात्रा में कैलोरी होती है। आम ज्यादा खाया जाए तो शरीर में अत्यधिक कैलोरी पहुँचती है, जो ठीक से बर्न नहीं हो पाती और बाद में फैट में तब्दील हो जाती है। इससे मोटापा और भी बढ़ सकता है। पेट से जुड़ी समस्याओं में आम का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। आम खाने से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जिन लोगों की गट हेल्थ ठीक नहीं है, उन्हें आम खाने से बचना चाहिए। आम खाने से बदहजमी, उल्टी या कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शुगर के मरीजों को आम का सेवन बेहद सीमित मात्रा में करना चाहिए। आम में नेचुरल शुगर काफी मात्रा में पाई जाती है। इस फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी ज्यादा है, जो कि ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। जिन लोगों को लेटेक्स एलर्जी होती है, उन्हें आम का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आम में पाया जाने वाला प्रोटीन लेटेक्स के समान होता है, जिससे शरीर इसे लेटेक्स समझकर प्रतिक्रिया देने लगता है और इसे शरीर में पानी वाले दाने उभरने लगते हैं। यानी कि दानों की जो समस्या है वो ज्यादातर गर्मी में पाई जाती है, क्योंकि गर्मी में ही आम खाया जाता है। तो कुछ चीजें हमने आपको बताई कि अगर आपको ये बीमारी है या फिर प्रॉब्लम है आपको किसी चीज से, तो उसमें आपको आम बिल्कुल भी नहीं खाना है, यानी कि आम का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। अगर खाना भी है, दिल भी चाह रहा है, तो केवल एक खाएं। उससे ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ आपने आम खाने के नुकसान के बारे में जाना और पता किया। अगर आपको ऐसी ही सेहतमंद जानकारी चाहिए और ये जानना है कि किस चीज़ को खाने से नुकसान होता है और किस चीज़ को खाने से फायदे होते हैं, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।